आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये वाला एनिमे, वो भी हिंदी डब के अंदर। हमारे सास्की को वापस लौटा दो। बात हमारे उसे वापस लौटाने की है ही नहीं, सास्के अपनी मर्जी से हमारे पास आया था। चुप रहो चश्मेश, मैं लोगों की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें वाकई में सास्के तक पहुंचना है, मैं मुझसे जबरदस्ती सबको चुगलवाना पड़ेगा, अगर तुमने उतना दम है। नारुतो, ये क्या है? क्या यही? अच्छा, जिसका मुझे डर था वही हुआ। वो एनर्जी जैसे शेप बदल रही थी, देखकर लग रहा था टेल्स की गिनती और बढ़ने वाली थी और आखिर में ही टेल्स बन जाती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर जिराया, मैं उसकी कितनी टेल्स देखी हैं। और दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब मैं नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था, इमोशनल होने की वजह से उसकी फोर्थ टेल बन गई थी। नारुतो का गुस्सा उसे एक्टिवेट करता है। पहली तीन टेल्स के पैदा होने तक वो अपने होशो हवास में था, चौथी टेल पैदा होते ही नाइन टेल उस पर हावी हो गई और वो नाइन टेल फॉक्स का ही एक छोटा रूप बन गया था। फोर्थ होकागे की सील भी उसे रोक नहीं पाई। नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, होकागे का सील फॉर्मूला अब कमजोर हो रहा है, मुझे इतना तो पक्का पता है। यानी फोर्थ होकागे का सीलिंग जुत्सु यकीन करना मुश्किल है। इसलिए तो इस मिशन के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे खून में खुद फर्स्ट होकागे के ब्लड सेल्स मौजूद हैं। तो एक सिर्फ तुम ही हो जो जिन चुरीकी को कंट्रोल कर सकते हो, हमारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। नारुतो, अब तुम काफी काबिल जिन चुरीकी बन गए हो। हाइंड टेल्स की ताकत अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। नारुतो, आखिर तुम एक जिन चुरीकी जैसी हरकतें करने लगे नारुतो, अब मैं समझा। तो इसलिए इस लड़के को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा गया है। लगता है मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार कामयाब हो गए हैं। तुम्हारे लीफ विलेज को तो इस बात के लिए मेरा एहसान मंद होना चाहिए, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट थे। ये आदमी आखिर है कौन? उस शिनोबी की ताकत चाहिए थी, टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था। ये फर्स्ट होकागे की बॉडी से उनके थोड़े डीएनए सैंपल्स अलग कर लिए, उसे अपने चुने हुए 60 काबिल बच्चों में डाल दिया। मुझे लगा कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बचा। तो ये बात है, इसीलिए इन्हें फर्स्ट होकागे का जुत्सु आता है। तो ये है पूरी कहानी। ये तो कमाल हो गया, आज हमारे सामने आपके सालों पुराने काम का अंजाम मौजूद है। तो ये लड़का बहुत दिलचस्प है, लेकिन तुम सास्के की फिक्र करो, तुम उसके मालिक नहीं। सास्के पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सास्के के बारे में ऐसे बात मत करो जैसे तुम उसके मालिक हो। मेरे सामने समझ का एक गंदी नाली के बेहुदा इंसान। ओह नो, ये कैसी चक्र एनर्जी है? ये खतरनाक चीज है। ये हुई ना बात, इसमें कोई शक नहीं, ये नाइट डील का कवच है। ये एक जिनचुरीकी की असली ताकत, मुझे फील हो रहा है ये चक्र एनर्जी खतरनाक है। तो ये है इसकी असली ताकत। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना।